आपने अपने कैमरा में मैनुअल मोड यूज किया होगा, आपने अपर्चर प्रायोरिटी यूज किया होगा, आपने शटर प्रायोरिटी यूज किया होगा, पर एक मोड ऐसा है जो कि बहुत लोग यूज नहीं करते और वो बहुत ही यूजफुल मोड है, और वो है U1, U2, U3 यानी कि यूजर मोड। और यूजर मोड कैसे यूज करने हैं, उनको कैसे सेट करना है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहले एक छोटे से इंफॉर्मेशन, अब मैंने ऑनलाइन 1-on-1 सेशन लेना शुरू कर दिया है, तो अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, आप इक्विपमेंट्स के बारे में जानना चाहते हो, आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो, आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना चाहते हो या बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मेरा 1 आवर का सेशन बुक कर सकते हो और 1 घंटा मैं आपके साथ में जूम सेशन के ऊपर बैठूंगा, आमने सामने बैठ के बात करेंगे, जो भी आपके डाउट हो, चाहे लाइटिंग सेटअप को लेकर के हो या एडिटिंग को लेकर के हो या फोटोग्राफी को लेकर के हो, आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हो। कैमरा सेटिंग्स को हमें बार-बार चेंज करना पड़ता है। अगर आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं तो अलग कैमरा सेटिंग्स चाहिए, अगर आप ई-कॉमर्स शूट कर रहे हैं तो अलग कैमरा सेटिंग्स चाहिए, आप कंटीन्यूअस लाइट के साथ शूट कर रहे हैं तो अलग कैमरा सेटिंग्स चाहिए, और अगर आप फ्लैश के साथ शूट कर रहे हैं तो अलग कैमरा सेटिंग्स चाहिए। तो वैसे तो हमें आदत पड़ चुकी है, हम कैमरा सेटिंग्स को बार बार चेंज करते रहते हैं, पर उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। सो अगर आप अपने कैमरा की सेटिंग्स को अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली पहले से सेट करके रख लें तो बहुत ही ईजी हो जाता है शूट करना, और यही काम करता है U1, U2, U3 सेटिंग्स यानी कि यूजर सेटिंग्स। सो आपको बेसिकली करना सिर्फ इतना होता है कि आपको जिस जिस सिचुएशन के अंदर शूट करना पड़ता है उसको आप पहले से पहले सेट कर लेते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल, आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं, आपको ऑन कैमरा फ्लैश के साथ भी शूट करना पड़ता है, आपको ऑफ कैमरा फ्लैश के साथ भी शूट करना पड़ता है, आपको कंटीन्यूअस लाइट के साथ भी शूट करना पड़ता है। सो आपको आपके कैमरा की सेटिंग्स को बार बार चेंज करना है, आपको आपके व्हाइट बैलेंस को चेंज करना है, आपको शटर को चेंज करना है। सो अगर आपने सेटिंग्स को ऑलरेडी U1, U2, U3 के ऊपर सेट करके रखा हुआ है, तो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको डायल को घुमाना है, U1 पे आ जाना है, U2 पे आ जाना है, U3 पे आ जाना है। सो आप सोच के देखिए आपके लिए कितना आसान हो जाता है ऐसा करना। आप अपने अकॉर्डिंगली सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। सो कैमरा निकाल लीजिए और मेरे को आप फॉलो करते रहेंगे तो आप बहुत आसानी से अपने कैमरा को सेट कर लेंगे। सो यहां पर आप ऊपर देख रहे हैं, आपके पास में है U1, U2, U3। तो सबसे पहले आपको आना है M के ऊपर। सो M के ऊपर जब आप आएंगे, सो यहां पर आप अपने कैमरा की शटर स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स से कि हम शूट कर रहे हैं स्टूडियो स्ट्रोब्स के साथ में, और क्योंकि पोर्ट्रेट शूट कर रहा हूं, मेरे को अपर्चर चाहिए 5.6 का। सो मैं अपर्चर को यहां पर अपने सेट कर लूंगा, मैं ले आया इसको 5.6 के ऊपर, और यहां से ISO को मैंने ऑटो से हटा दिया, और यहां पर मैं चला जाता हूं ISO 100, और उसके बाद शटर को मैं ले आता हूं 1/160 के ऊपर। सो ये मेरी सेटिंग्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं अपने कैमरा के बैक मेन्यू में, और उसके अंदर मैं आई पर आऊंगा, और यहां पर सबसे पहले मैं चेंज करता हूं अपनी पिक्चर प्रोफाइल। पिक्चर प्रोफाइल के अंदर हम आएंगे, यहां पर मैं स्टैंडर्ड को एडजस्ट करूंगा और जितनी भी सेटिंग्स हैं उन सबको मैं 0-0 कर दूंगा। राइट, सो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 0-0 किया हुआ है, आपको सिंपल ओके करना है। तो आपकी पिक्चर प्रोफाइल यहाँ सेट हो गई है। आपको यहाँ पे सेट करना है कि आपको FX मोड चाहिए, DX मोड चाहिए, हम FX पे रहेंगे। आप यहाँ पर फोकस मोड को भी सेट कर सकते हैं। सो क्योंकि मैं स्टिल फोटोग्राफी के अंदर हूँ, सो मैं कंटिन्यूअस को यूज करना प्रेफर नहीं समझता, पर अगर आप कंटिन्यूअस यूज करते हैं तो कंटिन्यूअस को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर AF-S सेट किया हुआ है। उसके बाद में मेरे को यहाँ पर लाइव व्यू सेटिंग को ऑन या ऑफ करना है। सो मैं स्टूडियो स्ट्रोब्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो ऐसे में मेरे को लाइव व्यू सेटिंग्स को ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि पोर्ट्रेट शूट कर रहा हूँ। सो आई ऑटो फोकस को मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर फोकस शिफ्ट शूटिंग मेरे को कुछ नहीं करना, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कि मेरे को रॉ प्लस जेपेक दोनों ही चाहिए, तो उसको मैं यहाँ पर अभी सेट करूंगा। और वाइट बैलेंस को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कस्टम पर, हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं केल्विन पर, आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी आप ये सेट करेंगे ये भी परमानेंटली फिक्स हो जाएगा यूजर प्रोफाइल के अंदर। सो अब यहां से हम एक बार मेन्यू में चले जाते हैं, और मेन्यू में जाकर के हम फोटो शूटिंग मेन्यू में आएंगे। सो यहां पर एक बार हम पूरा गो थ्रू कर लेते हैं। तो हमने इमेज एरिया यहां पे सेट किया हुआ है, इमेज क्वालिटी हम यहां पर यूज कर रहे हैं NEF रॉ प्लस जेपेग फाइन, आप सिर्फ जेपेग भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। इमेज साइज को हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, तो सारी चीजें हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कलर स्पेस मैं Adobe यूज कर रहा हूँ, आप sRGB भी यूज कर सकते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर पे हमने नहीं जाना है, सो वो सब चीजें ऑफ। विनेट कंट्रोल इसको हमने ऑन रखा हुआ है। इस तरीके से आप काफी सारी सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं, और पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस को भी मैंने यहाँ पर ऑन किया हुआ है, मोड 1 के ऊपर है। सो अब मैंने अपने कैमरा की सेटिंग्स को सेट कर लिया है। अब मुझे सिंपल सा जाना है
सेटअप मेन्यू में, और यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेव यूजर सेटिंग। सेव यूजर सेटिंग पर जाकर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप इस सेटिंग को U1 पे करना चाहते हैं या U2 पर या U3 पर। सो हम इसको सेट कर देते हैं U1 के ऊपर एंड दैट्स इट। देखा आपने कितना सिंपल है। इसी तरीके से आप अपने कैमरा के अंदर दो और सेटिंग सेट कर सकते हैं और ये सेटिंग्स आप सेट कर सकते हैं फोटोग्राफी के लिए। इसी तरीके से आप वीडियो सेटिंग्स को भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो तीन आपको इसके अंदर फोटोग्राफी के लिए कस्टम सेटिंग्स मिलती हैं और तीन आपको मिलती हैं वीडियो के लिए। आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो तो ये सेटिंग्स आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। आप पहले से पहले अपने कैमरा को सेट करके इसके अंदर रख लो। अगर आपको इसको सेट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना यार, और लोगों के साथ भी आप इसको शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।